हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलपी ब्यूटी। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का खुद का थ्रेडिंग खुद से कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार मैं अपना आईब्रो खुद से बनाने जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए से सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, जिस चीज़ को आप लोग जानते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए मेरा वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर्स को कट कर लेना है। अगर खुद से बना रहे हैं तो, अदरवाइज आप किसी और का बना रहे हैं तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बना लीजिए। ये मैंने कट कर लिया पूरा एक्स्ट्रा हेयर्स। हम धागे को लेंगे और अपने हाथ के अकॉर्डिंग, जितना आपका हाथ का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको तोड़ लेंगे। कैंची से कट कर लीजिए। ओके, मार तो कुछ भी हो गया, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना, एकदम आराम से कीजिए। ओके, पांच राउंड इसको घुमाना है। 1 2 3 4 5। ओके, और पहले ऊपर का सेव कर लीजिए अच्छे से। पहले आपको धागा चलाना आना चाहिए अच्छे से। अगर कहीं भी धागा फंसता है तो आप ये वाला धागा चेंज कर लीजिए। ओके, और जब भी आपको आईब्रो बनाना है इस तरीके से, जो ये आपका बड़ा वाला हिस्सा है इसको स्किन पे रखना है और छोटे वाले को जहाँ से हेयर रिमूव कर लें। तरीके से आराम आराम से आपको हेयर्स को रिमूव करना है। ज़्यादा स्किन में ऐसे दबाना नहीं है, नहीं तो आपका स्किन कट सकता है। एकदम हल्के हाथ से ऊपर की तरफ से हेयर को खींच दीजिए। आपको दिख रहा होगा कि कैसे हेयर निकल रहे हैं। तो इधर का बहुत अच्छे से शेप में आ गया है ऊपर का, तो इस साइड का भी सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। इस साइड का बनाने के लिए आपको इस साइड इस वाले हाथ का उपयोग करना पड़ेगा। इसी तरीके से आराम आराम से एकदम हेयर को निकालते जाइए।
देखिए ऊपर का दोनों साइड का मेरा शेप अच्छे से बन चुका है। अब नीचे का किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर कट गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा एक दो दिन में। ओके, शेप एकदम एक जैसी हो गई है दोनों साइड की। इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको निकाल लेते हैं। अब नीचे के हेयर्स को निकाल लेते हैं। नीचे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो थोड़ा सा पाउडर जरूर लगा लीजिएगा। ऐसे जरूर करिएगा ताकि यहाँ की स्किन टाइट रहे, बनाने में दिक्कत ना आए। जब भी आप थ्रेडिंग करें तो अपने सामने शीशा ज़रूर रखिएगा। ये देखिए कितना ईजिली यहाँ का निकल गया, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये निकालना है अभी। ऐसे आपको धागे में बाल को लेके आना है और ऐसे ऊपर की तरफ से खींचना है, ज़्यादा स्किन में रब नहीं करना है। एक से दो बार कर लेंगे तो बहुत इजीली आप बना लेंगे। देखिए काफ़ी हद तक मेरा बन चुका है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ।
तरीके से सारे हेयर्स को रिमूव कर लेना है। ओके, तो फाइनली मैंने अपना थ्रेडिंग कर लिया गाइस। तो कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई होप अच्छी बनी हो। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेयर निकल गया, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा फिर एक दो दिन में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया हो कि किस तरीके से खुद का थ्रेडिंग करना चाहिए। अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। देख लीजिए अच्छी बनी है ना। बाय गाइस, लव यू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, बाय बाय।